मैंने हम लोग चांदी नौ स्टेट तीस शहरों में बेचते हैं फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो मैंने कुछ अपने रिटेल जो चेंज चलाते हैं कस्टमर्स उनसे बात किया फुटफॉल्स आर डाउन फिफ्टी परसेंट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बिल्स साइज सेम है नहीं। पर ग्रामेज कम है तो जो बजट बना के लोग आए थे उतने ही बजट में पर दे आर बाइंग इधर लेस और लाइटर सो दिस ये लगभग अक्रॉस इंडिया जिससे भी मैंने बात किया कोई बोला थर्टी परसेंट कोई फोर्टी कोई फिफ्टी फोर्टी टू फिफ्टी लगभग सब ने बोला दूसरा ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ कस्टमर्स अपना पुराना चांदी ले आ रहे जो आपने बोला और हर्षल ने भी बोला वो मैच होता है क्योंकि उन्होंने तीन साल पहले दो साल पहले चार साल पहले जब चांदी थर्टी फोर थाउजेंड भी था तभी मैं आपके पास आया था चांदी फोर्टी फाइव भी था अभी अभी तो सिक्सटी फाइव में कितना बेचा हम लोग ने चांदी तो वो चांदी लोग ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको पायल में कन्वर्ट करो इस पे बर्तन में कन्वर्ट करो इसको मूर्ति में कन्वर्ट करो दूसरा चीज हो रहा है लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि ये पुराना पायल दो और नया दे दो पर बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम फ्रेश चांदी अभी okay. फिजिकल मार्केट में खरीदना चाहते जबकि उसका एग्जैक्ट टूलता है ईटीएफ में ई hmm. टी में बहुत डिमांड है okay. hmm. तो दिस इज वन सिंपल ओवरऑल अगर आपको समरी चाहिए

मगर लोगों की इंक्वायरी अभी भी अच्छी है चांदी में इंटरेस्ट लोगों का काफी अच्छा है बाइंग नहीं हो रही है मगर ऑर्डर प्लेस करके जा रहे हैं सिल्वर रेट बुकिंग नहीं हो रही है बोला आगे फ्यूचर में बुक करेंगे जब रेट कम होगा एग्जिस्टिंग सिल्वर के जब घर में पड़ी है वो लेके आ रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो डिमांड अभी भी बताओ कि फिफ्टी टू सिक्सटी इंटैक्ट है मगर नई बाइंग नहीं हो रही है नई सिल्वर की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है स्टोर्स पे राहुल तो फिर क्या क्या एज ऑफ नाउ यहाँ पर मान के चला जाए क्योंकि अब ये हफ्ता आने वाला महीना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम गुड़ी पाड़वा से शुरुआत कर रहे हैं आगे उगाड़ी है बैसाखी है अक्षय तृतीया मई के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में कभी तो भी है तो क्या एक्सपेक्टेशन है अब आगे जाकर डिमांड को लेकर आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं फेस्टिव सीजन में लोगों की पर टिकट बाइंग की वैल्यू कम हो गई है मगर स्वर पे लोग आ रहे हैं वो पहले दस हजार का सामान ले रहे तो भी हजार रुपए का सामान लेके जा रहे हैं मगर स्टोर पे आके खरीदी करके जा रहे जितना लेना उतना ही ले रहे सोना लेना चाहिए तो बाइंग हो रही है मगर ग्रामेज कम हो रहे तो बाइंग अभी भी यहां पर हो रही है लोग अपने बजट के हिसाब से खरीद रहे हैं लेकिन कम खरीद रहे हैं लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि इंडियंस एज पर से यहाँ पर सोना चांदी लेते ही है जो भी उनको प्राइस मिले एंड स्पेशली